एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग विद बार का व्लॉग वगैरह। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं व्लॉग का नंबर नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कौन सा नंबर चल रहा है। सो दैट इज़ अ थिंग। एंड इस व्लॉग में भी जो है शुरुआत मैं कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छी जगह आपको दिखाकर खाने की, जो कि यहीं मॉडल टाउन में है। एंड मॉडल टाउन डेरावाल नगर में है, तो आई थिंक वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। और मेरे पति देव आ गए हैं, ये क्या आप उनको नाश्ता देखना चाहते हैं? ओके, सो बस अब यही है कि आपको जो है व्लॉग भी बार मैं अब शुरू कर रही हूँ। मैं शुरू कर चुकी थी, ये बस इंट्रोडक्टरी पार्ट मेरे को बाद में शूट करना होता है, बस अब वही मैं जो है शूट कर रही थी। एंड अब देखते जाइए कि व्लॉग में क्या क्या होने वाला है। चलिए ऑन द वे टू नटखट केटरर्स। अगर आप जो है नटखट केटरर्स ऑन गूगल आप सर्च करेंगे, या इनफैक्ट अगर आप मॉडल टाउन में रहते हैं तो आपको पता ही होगा नटखट केटरर्स कहाँ है। तो वी वर गोइंग देयर, और मैंने जो है एक एंट्री पॉइंट आपको दिखा दिया था, बीकानेर वहाँ पे सामने पड़ता, तो उसी गली में आपको रोड में आपको एंटर करना है। एंड थोड़ा सा आप आगे चलते जाएंगे तो आपको नटखट केटरर्स जो है मिल जाएगा। And here was the location, so we stopped there, and now I tried to capture, but उस टाइम में रश बहुत था तो इसलिए मैंने ज़्यादा कैप्चर किया नहीं। ये उसका रोल था, सॉरी ये उसका मेन्यू था, जो कि हम जब ऑर्डर करने वाले थे हमने मंगवाया था। ऑल्दो वहाँ की हम सबसे फेवरेट जो हमारा है दैट इज़ गोलगप्पे एंड अफगानी रोल, मलाई चाप रोल, या वी ऑर्डर दैट। और अभी हम निकले हैं गोलगप्पे खाने के लिए, मूड नहीं था बट मन कर गया, और यहाँ पे हम गोलगप्पे खा रहे हैं। सो दिस इज़ अफगानी मलाई चाप रोल। ये 220 आई थिंक इसका MRP है, और MRP एज एन लाइक इसका प्राइस है। इसमें 4 पीसेस आते हैं, एक पार्ट ने खा लिया था ऑलरेडी। कुकी, हाय कुकी, Diana, you like him? Yes. Or you love him? Love. He's so cute. Very. घुस गया। Cheers everyone with fruit beer. So checking in after like so many days, and literally just don't mind the halk of my hair because my hair are washed and it's just कि अभी मैंने comb भी नहीं करी है और कुछ भी, like I hadn't did anything on it, so बिल्कुल rough ऐसे सी हो रखे हैं। और अभी हाल फिलहाल चल रहा है काम, and I will definitely show it to you all in the next vlog, है ना? Yeah. काम चल रहा है ना? गुरुजी के बर्थडे का रिकॉर्डिंग हो रही है, या रिकॉर्डिंग हो रही है। आप मेरे ब्लॉग वीवर में इस वाले उसमें आओगे बोलते हुए। सो आई एम मेकिंग समथिंग फॉर माई गुरुजी। हाय स्नूपी, घूम कर आ गए तुम? ये स्नूपी अपनी आफ्टरनून वॉक कर कर आया, थक गया बेचारा। और इसमें इतना भी नहीं होता कि ज़रा मैं रुक कर पानी पी लूँ अपने बाउल में से। मैं मेरे यहाँ पे भी पिंपल हो गया। इसको इतना भी नहीं होता कि मैं इसके बैठने का तरीका देखो ज़रा। इसको बिल्कुल इतना नहीं होता कि मैं पानी पी लूँ, इसको जस्ट ये कि AC चल रहा है तो बस सीधा अंदर कमरे में भागते हुए आ जाओ, क्योंकि इसको है कि कहीं जो ऐसा ना हो कि लोग कमरा बंद कर दो, मुझे घुसने भी नहीं देना कमरे में। सो या सो बेसिकली नेक्स्ट वीक में आपको जो दिखेगा व्लॉग वो होगा अबाउट समथिंग स्पेशल, बिकॉज इसकी ब्राइटनेस गुड लॉग है। अगले हफ्ते जो है काफ़ी कुछ स्पेशल चीज़ें होने वाली हैं, एंड तो उसी की तैयारियां चल रही हैं बिकॉज लिटरली जस्ट एक हफ्ता रह गया है एंड बहुत कुछ करने वाला है। सो अभी जो है शुरू कर दिया है मैंने काम करना, क्योंकि भाई एंड मोमेंट पे तो हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। सो या जस्ट डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और भाई मुझे क्राफ्ट वर्क तो शुरू से ही बहुत पसंद है। सो तू पी ले, हाँ हाँ आजा आजा, ये ले, ये देखो इसका टॉय सेक्शन। बल्कि तो ब्लॉग में यही आएगा करता हुआ। बस नहीं भी तेरी मेहनत शुरू ले लो ये स्नूपी वन ला ला पूछ देखो इसकी इसकी वो वाले टॉयज ले लो ना। वो नहीं चाहिए इसको डिस्ट्रैक्शन के लिए। मेरे को फेंकना एक बार, मेरे पे फेंकना एक बार। लम्बा जी नहीं आई स्नूपी ये ले स्नूपी। इसका सबसे पहले सुबह का आपने ये होता है कि ये मुझे ग्रीट करता है छाटम चाटी करके, है ना स्नूपी, है ना। बाय द वे आज फाइनली बारिश हो रही है। लेट मी शो यू बाहर का मौसम। इट्स रेनिंग पता नहीं, आई एम नॉट श्योर इफ द कैमरा इज एबल टू कैप्चर द रेन। हल्की हल्की तो पता चल रही है। भाई फूल मैंने कल धोए थे बिकॉज बहुत गंदे हो रहे थे। सो या कहाँ है स्नूपी? स्नूपी कहाँ है? नहीं स्नूपी कहाँ है? स्नूपी कहाँ हो? स्नूपी कहाँ? ये रहा, निकल आया बाहर। मुझे नहीं आती थी कोई ऐसी कराने में, मुझे नहीं आते। जाओ आओ दोबारा करूँ, आने दोबारा करूँ। स्नूपी कहाँ है? स्नूपी कहाँ है? हाई एवरीवन, सो चेकिंग इन आफ्टर आई डोंट थिंक सो हाउ मेनी आवर्स। और मैंने लास्ट आपको जो आई थिंक मॉर्निंग का ही वो शूट दिखाया था, शूट आज लाइक वो दिखाई थी। मेरी घड़ी की थी चार्ज हो गई है 75% ही चार्ज हुई, इतनी देर से लगाई हुई थी मोबाइल। सो मैंने मॉर्निंग में ही जो है व्लॉग शूट किया था, क्योंकि थोड़ा सा ही शूट किया था क्योंकि इतना कुछ था नहीं। एंड अभी जो है दोपहर हो रही है और आई एम रेडी टू गो समवेयर बिकॉज जस्ट वे आई टोल्ड यू इन माई व्लॉग की नेक्स्ट वीक जो है बहुत स्पेशल डे है। सो लेट मी जस्ट नॉट मेक इट वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर यू ऑल। सो नेक्स्ट वीक जो है हमारी एनिवर्सरी है एंड ऑल्सो हमारे हीरो, हमारे भगवान जी, मैं क्या ही कहूँ उनके लिए, यू नो वर्ड्स कम पड़ जाते हैं उनके लिए बोलने के लिए। तो उनका बर्थडे यानी कि हमारे गुरुजी का बर्थडे जो है 7 जुलाई को होता है और उसी दिन हमारी एनिवर्सरी होती है। सो 2 ओकेजन्स ऑन वन सिंगल डे, तो उसी की प्रिपरेशंस चल रही हैं एंड अभी उसी के लिए मुझे निकलना है। ऑल्दो बाहर बारिश हो रही है लेकिन स्टिल मुझे यहाँ से जो है अपने घर जाना है, अपने यानी कि अपने मायके जाना है, वहाँ पर काम करना है मुझे थोड़ा बहुत। और देखते हैं अगर मार्केट निकलने का मौसम हुआ तो, एंड क्योंकि एक हफ्ता भी नहीं रह गया है और सो मच टू बी डन एंड बस उसी की तैयारी चल रही है। एंड मैंने सोचा कि मैं क्यों ना व्लॉग को यहीं एंड कर लूँ ताकि जो है मैं फटाफट से इसको एडिट करके जो अपलोड कर सकूँ। बाय द वे थर्सडे है तो मैं इसलिए जो है यू नो एंड अभी जस्ट जो है मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो शूट करी थी, बस वही जो है मैं वो भी एडिट करनी है मुझे सबसे पहले। और जब तक ये व्लॉग जाएगा उससे पहले जो है वीडियो चली गई होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो वाली वीडियो जो मैं आई थिंक मैं अपने शॉर्ट चैनल पे जो अपलोड करूँगी बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आई थिंक सबको जो है पता होनी चाहिए इस सब चीज़ों के बारे में। तभी मैं आपको कहती हूँ कि मेरे शॉर्ट चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप शॉर्ट चैनल को फॉलो नहीं करना चाह रहे यानी कि सब्सक्राइब नहीं करना चाह रहे तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है ना MahiArora_24 उस पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि वहाँ पर जो है डेली बेस्ड कॉन्टेंट जो है आता है। अभी थोड़ा पीछे जो मैं रेगुलर हो गई थी क्योंकि आई वॉज बिजी एट होम, घर पे बच्चे आए हुए थे। सो इस चक्कर में ना बच्चों के साथ जो टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट नाउ वो लोग घर चले गए हैं तो इसलिए जो है मुझे टाइम मिल रहा है, बट अभी भी मैं बहुत बिजी हूँ, क्या कर सकते हैं। सो बस अभी के लिए यही अपडेट था एंड बाकी जो भी अब यू नो नेक्स्ट वीक का जो व्लॉग है वो भी मैं जल्दी शुरू कर लूँगी। जो कि आपको मैं प्रिपरेशन सिखाऊंगी एंड बहुत सारी DIY चीज़ें भी होने वाली हैं, तो वो भी मैं उस ब्लॉग में इंक्लूड करूँगी ताकि इनकेस जो है आप उस DIY से जो कुछ सीख पाओ, या अगर आपको लगता है कि आप ऐसा से कोई चीज़ बना सकते हो अपनी स्पेशल ओकेजन्स के लिए, जस्ट नॉट लाइक कि आप वही चीज़ बना सकते हो, मतलब कोई भी स्पेशल ओकेजन होती है तो अगर आप वैसे से कुछ बना सकते हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, राइट। एंड कुछ शॉपिंग जो मैं करने वाली हूँ, तो जो जो अफोर्डेबल जगहें मुझे लगती है वो भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, ताकि अगर इनकेस अगर आप उस जगह पे रहते हैं तो वहाँ के आसपास की मार्केट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप वो भी आपको पता चल जाएगा। सो या अभी हाल फिलहाल के लिए ब्लॉग में इतना ही, एंड मैं नेक्स्ट ब्लॉग जो जल्दी शुरू कर लूँगी। एंड नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, एंड ऑल्सो एक बार मैं जो है इन ओकेजन्स से थोड़ा फ्री हो जाऊँ तो मैं नॉर्मल वीडियोज़ भी बनाऊँगी यूट्यूब, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, एंड दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग, वीरवार एपिसोड, सॉरी ब्लॉग, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय, टेक केयर।